नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में हूँ। ये अक्टूबर का पहला सप्ताह है। इस वीडियो में मैं आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा। और ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद है पहले इधर। बहुत ही सुहाना मौसम है, ठंडी हल्की ठंडी हवा चल रही है, बादल हैं आसमान में और पूर्वानुमान है कि आज शायद दोपहर के बाद यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली घूमने का बेहतरीन समय है ये। कुतुबाद क्लब का एरिया ये आप मेरे पीछे कुतुब मीनार देख रहे हैं। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राजा शासक बनाकर चला गया, तब वो यहाँ अपना एक विजय स्मारक बनाना चाहते थे। शायद तभी उन्होंने यह मीनार बनवाया। ये आयरन पिलर और ये इसके ऊपर जो अभिलेख, इसके एक अभिलेख ये है और एक ये है। ये उर्दू के हैं लेकिन ये हमारी पुरानी लिपि है। ये कुबतुल इस्लाम मस्जिद है। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो उसके बाद मोहम्मद गौरी तो वापस चला गया 1192 के लड़ाई के बाद। वो दिल्ली का शासक बना गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि गुलाम था। तो जब शुरू में वो दिल्ली में आए तो सबसे पहले उन्होंने बनानी थी यहाँ पर एक मस्जिद। तो मस्जिद बनाने के लिए अब उनके पास मटेरियल नहीं था, तो इस जगह पर थे जैन और हिंदू मंदिर थे। तो उन्होंने यहाँ के 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़े। मटेरियल प्राप्त करना, पत्थर प्राप्त करना, ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी हैं ये हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये सब हिंदू मंदिरों के पिलर्स थे। और यहाँ देखें आप, इसमें घंटियाँ दिखेंगी, जंजीरें दिखेंगी, ये जंजीर और घंटियाँ हैं। जैसे जहाँ किसी देवता की कोई फ़ोटो थी, ये यहाँ देखेंगे आप, इसको ध्यान से देखें, ये किसी इंसान की या देवता की किसी की ये मूर्ति थी, जिसको इन्होंने पत्थर को यहाँ से तोड़ दिया है, फेस उसका ख़राब कर दिया है। फेस इसलिए ख़राब किया है क्योंकि इस्लाम में फेस जो है, किसी भी जीव का फेस दिखाना, किसी भी मनुष्य का फेस दिखाना एक अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि इसे भगवान की, अल्लाह का काम माना जाता है कि अल्लाह जो है उसने इंसानों को बनाया, तो हम उसकी मूर्ति ना बनाएं। तो ये इन्होंने सब मूर्तियों के चेहरे जो हैं ख़राब कर दिए हुए हैं, ख़राब कर दिए हैं। जहाँ जहाँ किसी भी मूर्ति का चेहरा होगा, कहीं भी आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने तोड़ दिए हुए हैं। तो ये सारा मटेरियल जो है उन्होंने उन हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के प्राप्त किया। ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है पानी की निकासी। ये मेरे पीछे अल्लाही दरवाजा कुतुब कॉम्प्लेक्स में,
स्क्वायर डोम है, अंदर से देखते हैं। डोम है ना, लेकिन ऊपर स्क्वायर है। डोम देख, ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ये इल्तुतमिश के मकबरे के अंदर जाते हुए हम, इल्तुतमिश की कब्र है ये। बादशाह की शान में गुस्ताखी, अरे कब्र है बे, शान में गुस्ताखी कर रहे हैं आप लोग। अगर जहां पना उठ गए ना, ये इल्तुतमिश की कब्र है। हाँ, इल्तुतमिश का है, लेकिन कुछ इससे बैठे हैं और मैं इन्हें प्यार से, जना जहाँ पना बादशाह की कब्र पे आप बैठे हुए हैं, अगर बादशाह उठ गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इलाही मीनार बनाई जा रही थी, लेकिन इसको बीच में ही छोड़ दिया गया। खिलजी द्वारा जो एक्सटेंशन की गई कुतुब कॉम्प्लेक्स की, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, एक जो भी लेख इसके ऊपर लिखा हुआ है आयरन पिलर पे, ये उसका हिंदी में अनुवाद है, इसका उर्दू में अनुवाद है। आयरन पिलर पर जो अभी लेख लिखा हुआ है, इंग्लिश में अनुवाद। खिलजी के मकबरे की ओर जा रहे हैं अब हम। ये खिलजी के मकबरे के अंदर हैं हम। ये है खिलजी की कब्र, यह है खिलजी की कब्र, लेकिन ये असली कब्र नहीं है। असली कब्र काफी नीचे होती है। समय की बात है, कभी जो बादशाह हुआ करते थे हिंदुस्तान के, आज वो दो गज जमीन में कफन है, टूट फूट चुका है, खंडहर है। हो सकता है आने वाले 100-200 सालों बाद ये भी ना रहे, तो कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।